अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल पीके विद अ न्यू लेसन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम कॉमन एरर्स व्हिच वी डू व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस हैज़ इज रॉन्ग, व्हाइल नॉर्मली हैज़ इज यूज विद सिंगुलर प्रोनाउंस। नाउ शी इज प्रोनाउन, सो वी शुड यूज हैज, बट एक्चुअली has is not used as a helping verb over here. Here in this sentence, does is helping verb. Has is used for showing possession. So यहाँ पे has जो use किया गया है वो possession, ownership show करने के लिए use किया गया है, वो as a helping verb नहीं use किया गया। जबकि यहाँ इस सेंटेंस में जो डज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। फाइन, और इसकी जो करेक्शन होगी वो ऐसे होगी, डज शी हैव अ कार, सो इट विल बी करेक्ट वन। व्हेन यू विल यूज इन इट इन अ पॉजिटिव सेंटेंस देन यू हैव टू यूज हैज, बिकॉज ओवर हियर हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हैज़ ही आएगा, लेकिन यहाँ जब हम उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज़ हैव टू शो पोजेशन। पोजेशन या ओनरशिप शो करने के लिए नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, जहाँ पे हम डू या डज वगैरह यूज़ करके उसको नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पे पोजेशन के लिए हम हैव यूज़ करेंगे विद ऑल प्रोनाउंस, विद सिंगुलर प्रोनाउंस एंड विद प्लूरल प्रोनाउंस एज वेल। Now come towards the second error. I came to office by walk. It's incorrect. Why it's incorrect? इस सेंटेंस में आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप पैदल चल के ऑफिस आए हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि by is used to show the use of someone. जैसे you can say by car, by bus. तो यहाँ पे जो बाय यूज़ किया गया है वो इन इन ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए किया गया, कि इनको यूज़ करके तो आप ऑफिस आए हो, इसलिए यहाँ पे बाय यूज़ किया गया। लेकिन जब आप पैदल आए तो आपने वॉक को यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बाय के साथ वॉक नहीं आएगा। अगर आपने ये शो करना हो कि आप पैदल आए हो तो देन यू हैव टू से ऑन फुट, आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। Now here is another example, another error. His son-in-laws have come home. Now what's wrong in this sentence? Over here it's wrong. Laws, उसके दामाद घर आ गए हैं, कि एक से ज़्यादा दामाद हैं, तो अगर हमने एक से ज़्यादा दामाद शो करने होंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका है son, यहाँ पे हम ऐसे ऐड करेंगे, sons in law, डॉटर्स इन लॉ। अगर तो एक है तो फिर तो ठीक है, हिज सन इन लॉ, किसी के साथ भी हम एस ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा शो करने हैं, दामाद हैं या बहू है या ब्रदर्स हैं, इन लॉ हैं, बहनोई हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनके साथ एस लगाएंगे, लॉ के साथ हम एस नहीं ऐड करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर एरर्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।